मूवी रिव्यू की और एक नई वीडियो में आप सभी का स्वागत करते हैं अगर आप सलमान खान के फैंस हैं तो इस वीडियो को पूरा देखिएगा क्योंकि इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं सलमान खान के सबसे बेहतरीन मूवी बजरंगी भाईजान के बारे में यह मूवी कब रिलीज़ हुई थी मूवी की कमाई कितनी है मूवी में किस किस किरदारों ने काम किया था और किस तरीके से यह मूवी हिट साबित हुई ना तथा यह मूवी किस तरीके से बॉलीवुड पर कितना कलेक्शन किया था इसकी टोटल कमाई टोटल लागत कितनी थी इसके पीछे की कहानी क्या है और बजरंगी भाईजान की फिल्म जो है वो इसके पीछे का स्टोरी क्या है फैक्ट क्या है इस वीडियो में हम रिव्यू करने वाले हैं तो वीडियो को पूरा कंटिन्यू अंत तक देखिएगा उससे पहले अगर आप बजरंगी भाईजान के फैन तो इस वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा दोस्तों बजरंगी भाईजान फिल्म एक भारतीय हिंदी फिल्म है जिसका निर्देशन कबीर खान और निर्माण सलमान खान और रोकलिन वेंकटेश ने किया है इसमें सलमान खान करीना कपूर और नवाजुद्दीन सिद्दीकी मुख्य रूप से लीड रोल में आपको नजर आने वाले यह फिल्म सत्रह जुलाई 2015 को सभी सिनेमाघरों में प्रदर्शित हुई थी इसी के साथ मैं आपको बता दूं कि इस फिल्म की कुल लागत 93 यानी कि तिरानबे करोड़ थी और इस मूवी ने टोटल कलेक्शन जो किया था बॉक्स ऑफिस कलेक्शन कुल कारोबार नौ सौ करोड़ रुपए यानी कि 969 करोड़ रुपए की कमाई की थी इस फिल्म में आपको दिखाई देगा कि एक पवन कुमार चतुर्वेदी होते हैं जिनका नाम सलमान खान और फिल्म में नाम होता है पवन कुमार चतुर्वेदी वो एक छोटी बच्ची जो कि हर्षिला मल्होत्रा होती है वो उसे भारत मिलता है लेकिन वह बच्ची पाकिस्तान की होती है ऐसे में सलमान खान उसे पाकिस्तान छोड़ने जाते हैं कहानी बहुत ही इंटरेस्टिंग है मूवी भी काफ़ी इंटरेस्टिंग है तो इस वीडियो में बस इतना ही अगर आप सलमान खान के फैंस हैं तो वीडियो को लाइक करके दोस्तों के साथ शेयर जरूर कर दीजिएगा मूवी रिव्यू की और एक नई वीडियो में आप सभी का स्वागत करते हैं अगर आप सलमान खान के फैंस हैं तो इस वीडियो को पूरा देखिएगा क्योंकि इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं सलमान खान के सबसे बेहतरीन मूवी बजरंगी भाईजान के बारे में यह मूवी कब रिलीज़ हुई थी मूवी की कमाई कितनी है मूवी में किस किस किरदारों ने काम किया था और किस तरीके से यह मूवी हिट साबित हुई ना। तथा यह मूवी किस तरीके से बॉलीवुड पर कितना कलेक्शन किया था इसकी टोटल कमाई टोटल लागत कितनी थी इसके पीछे की कहानी क्या है और बजरंगी भाईजान की फ़िल्म जो है वो इसके पीछे का स्टोरी क्या है फैक्ट क्या है इस वीडियो में हम रिव्यू करने वाले हैं तो वीडियो को पूरा कंटिन्यू अंत तक देखिएगा उससे पहले अगर आप बजरंगी भाईजान के फैन हैं तो इस वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा दोस्तों बजरंगी भाईजान फिल्म एक भारतीय हिंदी फिल्म है जिसका निर्देशन कबीर खान और निर्माण सलमान खान और रॉकलिन वेंकटेश ने किया है इसमें सलमान खान करीना कपूर और नवाजुद्दीन सिद्दीकी मुख्य रूप से लीड रोल में आपको नज़र आने वाले यह फिल्म सत्रह जुलाई 2015 को सभी सिनेमाघरों में प्रदर्शित हुई थी इसी के साथ मैं आपको बता दूं कि इस फिल्म की कुल लागत 93 यानी कि तिरानवे करोड़ थी और इस मूवी ने टोटल कलेक्शन जो किया था बॉक्स ऑफिस कलेक्शन कुल कारोबार नौ करोड़ रुपए यानी कि 969 करोड़ रुपए की नाएं कमाई की थी, थी इस फिल्म में आपको दिखाई देगा कि एक पवन कुमार चतुर्वेदी होते हैं जिनका नाम सलमान खान और फिल्म में नाम होता है पवन कुमार चतुर्वेदी वो एक छोटी बच्ची जो कि हर्षिला मल्होत्रा होती है वो उसे भारत मिलता है लेकिन वह बच्ची पाकिस्तान की होती है ऐसे में सलमान खान उसे पाकिस्तान छोड़ने जाते हैं कहानी बहुत ही इंटरेस्टिंग है मूवी भी काफ़ी इंटरेस्टिंग है तो इस वीडियो में बस इतना ही अगर आप सलमान खान के फैंस हैं तो वीडियो को लाइक करके दोस्तों के साथ शेयर जरूर कर दीजिएगा मूवी रिव्यू की और एक नई वीडियो में आप सभी का स्वागत करते हैं अगर आप सलमान खान के फैंस हैं तो इस वीडियो को पूरा देखिएगा क्योंकि इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं सलमान खान के सबसे बेहतरीन मूवी बजरंगी भाईजान के बारे में यह मूवी कब रिलीज़ हुई थी मूवी की कमाई कितनी है मूवी में किस किस किरदारों ने काम किया था और किस तरीके से यह मूवी हिट साबित हुई ना। तथा यह मूवी किस तरीके से बॉलीवुड पर कितना कलेक्शन किया था इसकी टोटल कमाई टोटल लागत कितनी थी इसके पीछे की कहानी क्या है और बजरंगी भाईजान की फ़िल्म जो है वो इसके पीछे का स्टोरी क्या है फैक्ट क्या है इस वीडियो में हम रिव्यू करने वाले हैं तो वीडियो को पूरा कंटिन्यू अंत तक देखिएगा उससे पहले अगर आप बजरंगी भाईजान के फैन हैं तो इस वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा दोस्तों बजरंगी भाईजान फिल्म एक भारतीय हिंदी फिल्म है जिसका निर्देशन कबीर खान और निर्माण सलमान खान और रॉकलिन वेंकटेश ने किया है इसमें सलमान खान करीना कपूर और नवाजुद्दीन सिद्दीकी मुख्य रूप से लीड रोल में आपको नजर आने वाले यह फिल्म सत्रह जुलाई 2015 को सभी सिनेमाघरों में प्रदर्शित हुई थी इसी के साथ मैं आपको बता दूं कि इस फिल्म की कुल लागत 93 यानी कि तिरानवे करोड़ थी और इस मूवी ने टोटल कलेक्शन जो किया था बॉक्स ऑफिस कलेक्शन कुल कारोबार नौ करोड़ रुपए यानी कि 969 करोड़ रुपए की कमाई की थी इस फिल्म में आपको दिखाई देगा कि एक पवन कुमार चतुर्वेदी होते हैं जिनका नाम सलमान खान और फिल्म में नाम होता है पवन कुमार चतुर्वेदी वो एक छोटी बच्ची जो कि हर्षिला मल्होत्रा होती है वह उसे भारत मिलता है लेकिन वह बच्ची पाकिस्तान की होती है ऐसे में सलमान खान उसे पाकिस्तान छोड़ने जाते हैं कहानी बहुत ही इंटरेस्टिंग है मूवी भी काफ़ी इंटरेस्टिंग है तो इस वीडियो में बस इतना ही अगर आप सलमान खान के फैंस हैं तो वीडियो को लाइक करके दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कर दीजिएगा मूवी रिव्यू की और एक नई वीडियो में आप सभी का स्वागत करते हैं अगर आप सलमान खान के फैंस हैं तो इस वीडियो को पूरा देखिएगा क्योंकि इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं सलमान खान के सबसे बेहतरीन मूवी बजरंगी भाईजान के बारे में यह मूवी कब रिलीज़ हुई थी मूवी की कमाई कितनी है मूवी में किस किस किरदारों ने काम किया था और किस तरीके से यह मूवी हिट साबित हुई ना। तथा यह मूवी किस तरीके से बॉलीवुड पर कितना कलेक्शन किया था इसकी टोटल कमाई टोटल लागत कितनी थी इसके पीछे की कहानी क्या है और बजरंगी भाईजान की फिल्म जो है वो इसके पीछे का स्टोरी क्या है फैक्ट क्या है इस वीडियो में हम रिव्यू करने वाले हैं तो वीडियो को पूरा कंटिन्यू अंत तक देखिएगा उससे पहले अगर आप बजरंगी भाईजान के फैन हैं तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा दोस्तों बजरंगी भाईजान फिल्म एक भारतीय हिंदी फिल्म है जिसका निर्देशन कबीर खान और निर्माण सलमान खान और रॉकलिन टेश ने किया है इसमें सलमान खान करीना कपूर और नवाजुद्दीन सिद्दीकी मुख्य रूप से लीड रोल में आपको नजर आने वाले यह फिल्म सत्रह जुलाई 2015 को सभी सिनेमाघरों में प्रदर्शित हुई थी इसी के साथ मैं आपको बता दूं कि इस फिल्म की कुल लागत 93 यानी कि तिरानवे करोड़ थी और इस मूवी ने टोटल कलेक्शन जो किया था बॉक्स ऑफिस कलेक्शन कुल कारोबार नौ करोड़ रुपए यानी कि 969 करोड़ रुपए की कमाई की थी इस फिल्म में आपको दिखाई देगा कि एक पवन कुमार चतुर्वेदी होते हैं जिनका नाम सलमान खान और फिल्म में नाम होता है पवन कुमार चतुर्वेदी वो एक छोटी बच्ची जो कि हर्षिला मल्होत्रा होती है वो उसे भारत मिलता है लेकिन वह बच्ची पाकिस्तान की होती है ऐसे में सलमान खान उसे पाकिस्तान छोड़ने जाते हैं कहानी बहुत ही इंटरेस्टिंग है मूवी भी काफ़ी इंटरेस्टिंग है तो इस वीडियो में बस इतना ही अगर आप सलमान खान के फैंस हैं तो वीडियो को लाइक करके दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कर दीजिएगा मूवी रिव्यू की और एक नई वीडियो में आप सभी का स्वागत करते हैं अगर आप सलमान खान के फैंस हैं तो इस वीडियो को पूरा देखिएगा क्योंकि इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं सलमान खान की सबसे बेहतरीन मूवी बजरंगी भाईजान के बारे में यह मूवी कब रिलीज़ हुई थी मूवी की कमाई कितनी है मूवी में किस किस किरदारों ने काम किया था और किस तरीके से यह मूवी हिट साबित हुई तथा यह मूवी किस तरीके से बॉलीवुड पर कितना कलेक्शन किया था इसकी टोटल कमाई टोटल लागत कितनी थी इसके पीछे की कहानी क्या है और बजरंगी भाईजान की फ़िल्म जो है वो इसके पीछे का स्टोरी क्या है फैक्ट क्या है इस वीडियो में हम रिव्यू करने वाले हैं तो वीडियो को पूरा कंटिन्यू अंत तक देखिएगा उससे पहले अगर आप बजरंगी भाईजान के फैन हैं तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा दोस्तों बजरंगी भाईजान फिल्म एक भारतीय हिंदी फिल्म है जिसका निर्देशन कबीर खान और निर्माण सलमान खान और रॉकलिन वेंकटेश ने किया है इसमें सलमान खान करीना कपूर और नवाजुद्दीन सिद्दीकी मुख्य रूप से लीड रोल में आपको नजर आने वाले यह फिल्म सत्रह जुलाई 2015 को सभी सिनेमाघरों में प्रदर्शित हुई थी इसी के साथ मैं आपको बता दूं कि इस फिल्म की कुल लागत 93 यानी कि तिरानवे करोड़ थी और इस मूवी ने टोटल कलेक्शन जो किया था बॉक्स ऑफिस कलेक्शन कुल कारोबार नौ सौ उनहत्तर करोड़ रुपए यानी कि 969 करोड़ रुपए की कमाई की थी, थी इस फिल्म में आपको दिखाई देगा कि एक पवन कुमार चतुर्वेदी होते हैं जिनका नाम सलमान खान और फिल्म में नाम होता है पवन कुमार चतुर्वेदी वो एक छोटी बच्ची जो कि हर्षिला मल्होत्रा होती है वो उसे भारत मिलता है लेकिन वह बच्ची पाकिस्तान की होती है ऐसे में सलमान खान उसे पाकिस्तान छोड़ने जाते हैं कहानी बहुत ही इंटरेस्टिंग है मूवी भी काफ़ी इंटरेस्टिंग है तो इस वीडियो में बस इतना ही अगर आप सलमान खान के फैंस हैं तो वीडियो को लाइक करके दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कर दीजिएगा मूवी रिव्यू की और एक नई वीडियो में आप सभी का स्वागत करते हैं अगर आप सलमान खान के फैंस हैं तो इस वीडियो को पूरा देखिएगा क्योंकि इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं सलमान खान के सबसे बेहतरीन मूवी बजरंगी भाईजान के बारे में यह मूवी कब रिलीज़ हुई थी मूवी की कमाई कितनी है मूवी में किस किस किरदारों ने काम किया था और किस तरीके से यह मूवी हिट साबित हुई ना। तथा यह मूवी किस तरीके से बॉलीवुड पर कितना कलेक्शन किया था इसकी टोटल कमाई टोटल लागत कितनी थी इसके पीछे की कहानी क्या है और बजरंगी भाईजान की फिल्म जो है वो इसके पीछे का स्टोरी क्या है फैक्ट क्या है इस वीडियो में हम रिव्यू करने वाले हैं तो वीडियो को पूरा कंटिन्यू अंत तक देखिएगा उससे पहले अगर आप बजरंगी भाईजान के फैन हैं तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा दोस्तों बजरंगी भाईजान फिल्म एक भारतीय हिंदी फिल्म है जिसका निर्देशन कबीर खान और निर्माण सलमान खान और रोकलिन वेंकटेश ने किया है इसमें सलमान खान करीना कपूर और नवाजुद्दीन सिद्दीकी मुख्य रूप से लीड रोल में आपको नजर आने वाले यह फिल्म सत्रह जुलाई 2015 को सभी सिनेमाघरों में प्रदर्शित हुई थी इसी के साथ मैं आपको बता दूं कि इस फिल्म की कुल लागत 93 यानी कि तिरानवे करोड़ थी और इस मूवी ने टोटल कलेक्शन जो किया था बॉक्स ऑफिस कलेक्शन कुल कारोबार नौ करोड़ रुपए यानी कि 969 करोड़ रुपए की कमाई की थी इस फिल्म में आपको दिखाई देगा कि एक पवन कुमार चतुर्वेदी होते हैं जिनका नाम सलमान खान और फिल्म में नाम होता है पवन कुमार छत्रपति वो एक छोटी बच्ची जो कि हर्षिला मल्होत्रा होती है वो उसे भारत मिलता है लेकिन वह बच्ची पाकिस्तान की होती है ऐसे में सलमान खान उसे पाकिस्तान छोड़ने जाते हैं कहानी बहुत ही इंटरेस्टिंग है मूवी भी काफ़ी इंटरेस्टिंग है तो इस वीडियो में बस इतना ही अगर आप सलमान खान के फैंस हैं तो वीडियो को लाइक करके दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कर दीजिएगा मूवी रिव्यू की और एक नई वीडियो में आप सभी का स्वागत करते हैं अगर आप सलमान खान के फैंस हैं तो इस वीडियो को पूरा देखिएगा क्योंकि इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं सलमान खान के सबसे बेहतरीन मूवी बजरंगी भाईजान के बारे में यह मूवी कब रिलीज़ हुई थी मूवी की कमाई कितनी है मूवी में किस किस किरदारों ने काम किया था और किस तरीके से यह मूवी हिट साबित हुई ना तथा यह मूवी किस तरीके से बॉलीवुड पर कितना कलेक्शन किया था इसकी टोटल कमाई टोटल लागत कितनी थी इसके पीछे की कहानी क्या है और बजरंगी भाईजान की फिल्म जो है वो इसके पीछे का स्टोरी क्या है फैक्ट क्या है इस वीडियो में हम रिव्यू करने वाले हैं तो वीडियो को पूरा कंटिन्यू अंत तक देखिएगा उससे पहले अगर आप बजरंगी भाईजान के फैन हैं जिस वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा दोस्तों बजरंगी भाईजान फिल्म एक भारतीय हिंदी फिल्म है जिसका निर्देशन कबीर खान और निर्माण सलमान खान और रोकलिन वेंकटेश ने किया है इसमें सलमान खान करीना कपूर और नवाजुद्दीन सिद्दीकी मुख्य रूप से लीड रोल में आपको नजर आने वाले हैं यह फिल्म सत्रह जुलाई 2015 को सभी सिनेमाघरों में प्रदर्शित हुई थी इसी के साथ मैं आपको बता दूं कि इस फिल्म की कुल लागत 93 यानी कि तिरानबे करोड़ थी और इस मूवी ने टोटल कलेक्शन जो किया था बॉक्स ऑफिस कलेक्शन कुल कारोबार नौ सौ करोड़ रुपए यानी कि 969 करोड़ रुपए की कमाई की थी इस फिल्म में आपको दिखाई देगा कि एक पवन कुमार चतुर्वेदी होते हैं जिनका नाम सलमान खान और फिल्म में नाम होता है पवन कुमार चतुर्वेदी वो एक छोटी बच्ची जो कि हर्षिला मल्होत्रा होती है वो उसे भारत मिलता है लेकिन वह बच्ची पाकिस्तान की होती है ऐसे में सलमान खान उसे पाकिस्तान छोड़ने जाते हैं कहानी बहुत ही इंटरेस्टिंग है मूवी भी काफ़ी इंटरेस्टिंग है तो इस वीडियो में बस इतना ही अगर आप सलमान खान के फैंस हैं तो वीडियो को लाइक करके दोस्तों के साथ शेयर जरूर कर दीजिएगा मूवी रिव्यू की और एक नई वीडियो में आप सभी का स्वागत करते हैं अगर आप सलमान खान के फैंस हैं तो इस वीडियो को पूरा देखिएगा क्योंकि इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं सलमान खान के सबसे बेहतरीन मूवी बजरंगी भाईजान के बारे में यह मूवी कब रिलीज़ हुई थी मूवी की कमाई कितनी है मूवी में किस किस किरदारों ने काम किया था और किस तरीके से यह मूवी हिट साबित हुई ना। तथा यह मूवी किस तरीके से बॉलीवुड पर कितना कलेक्शन किया था इसकी टोटल कमाई टोटल लागत कितनी थी इसके पीछे की कहानी क्या है और बजरंगी भाईजान की फिल्म जो है वो इसके पीछे का स्टोरी क्या है फैक्ट क्या है इस वीडियो में हम रिव्यू करने वाले हैं तो वीडियो को पूरा कंटिन्यू अंत तक देखिएगा उससे पहले अगर आप बजरंगी भाईजान के फैन हैं तो इस वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा दोस्तों बजरंगी भाईजान फिल्म एक भारतीय हिंदी फिल्म है जिसका निर्देशन कबीर खान और निर्माण सलमान खान और रॉकलिन वेंकटेश ने किया है इसमें सलमान खान करीना कपूर और नवाजुद्दीन सिद्दीकी मुख्य रूप से लीड रोल में आपको नज़र आने वाले यह फिल्म सत्रह जुलाई 2015 को सभी सिनेमाघरों में प्रदर्शित हुई थी इसी के साथ मैं आपको बता दूं कि इस फिल्म की कुल लागत 93 यानी कि तिरानवे करोड़ थी और इस मूवी ने टोटल कलेक्शन जो किया था बॉक्स ऑफिस कलेक्शन कुल कारोबार नौ करोड़ रुपए यानी कि 969 करोड़ रुपए की नाएं कमाई की थी इस फिल्म में आपको दिखाई देगा कि एक पवन कुमार चतुर्वेदी होते हैं जिनका नाम सलमान खान और फिल्म में नाम होता है पवन कुमार चतुर्वेदी वो एक छोटी बच्ची जो कि हर्षिला मल्होत्रा होती है वो उसे भारत मिलता है लेकिन वह बच्ची पाकिस्तान की होती है ऐसे में सलमान खान उसे पाकिस्तान छोड़ने जाते हैं कहानी बहुत ही इंटरेस्टिंग है मूवी भी काफ़ी इंटरेस्टिंग है तो इस वीडियो में बस इतना ही अगर आप सलमान खान के फैंस हैं तो वीडियो को लाइक करके दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कर दीजिएगा मूवी रिव्यू की और एक नई वीडियो में आप सभी का स्वागत करते हैं अगर आप सलमान खान के फैंस हैं तो इस वीडियो को पूरा देखिएगा क्योंकि इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं सलमान खान के सबसे बेहतरीन मूवी बजरंगी भाईजान के बारे में यह मूवी कब रिलीज हुई थी मूवी की कमाई कितनी है मूवी में किस किस किरदारों ने काम किया था और किस तरीके से यह मूवी हिट साबित हुई ना। तथा यह मूवी किस तरीके से बॉलीवुड पर कितना कलेक्शन किया था इसकी टोटल कमाई टोटल लागत कितनी थी इसके पीछे की कहानी क्या है और बजरंगी भाईजान की फ़िल्म जो है वो इसके पीछे का स्टोरी क्या है फैक्ट क्या है इस वीडियो में हम रिव्यू करने वाले हैं तो वीडियो को पूरा कंटिन्यू अंत तक देखिएगा उससे पहले अगर आप बजरंगी भाईजान के फैन हैं तो इस वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा दोस्तों बजरंगी भाईजान फिल्म एक भारतीय हिंदी फिल्म है जिसका निर्देशन कबीर खान और निर्माण सलमान खान और रॉकलिन वेंकटेश ने किया है इसमें सलमान खान करीना कपूर और नवाजुद्दीन सिद्दीकी मुख्य रूप से लीड रोल में आपको नजर आने वाले यह फिल्म सत्रह जुलाई 2015 को सभी सिनेमाघरों में प्रदर्शित हुई थी इसी के साथ मैं आपको बता दूं कि इस फिल्म की कुल लागत 93 यानी कि तिरानवे करोड़ थी और इस मूवी ने टोटल कलेक्शन जो किया था बॉक्स ऑफिस कलेक्शन कुल कारोबार नौ करोड़ रुपए यानी कि 969 करोड़ रुपए की कमाई की थी इस फिल्म में आपको दिखाई देगा कि एक पवन कुमार चतुर्वेदी होते हैं जिनका नाम सलमान खान और फिल्म में नाम होता है पवन कुमार चतुर्वेदी वो एक छोटी बच्ची जो कि हर्षिला मल्होत्रा होती है वो उसे भारत मिलता है लेकिन वह बच्ची पाकिस्तान की होती है ऐसे में सलमान खान उसे पाकिस्तान छोड़ने जाते हैं कहानी बहुत ही इंटरेस्टिंग है मूवी भी काफ़ी इंटरेस्टिंग है तो इस वीडियो में बस इतना ही अगर आप सलमान खान के फैंस हैं तो वीडियो को लाइक करके दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कर दीजिएगा मूवी रिव्यू की और एक नई वीडियो में आप सभी का स्वागत करते हैं अगर आप सलमान खान के फैंस हैं तो इस वीडियो को पूरा देखिएगा क्योंकि इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं सलमान खान के सबसे बेहतरीन मूवी बजरंगी भाईजान के बारे में यह मूवी कब रिलीज़ हुई थी मूवी की कमाई कितनी है मूवी में किस किस किरदारों ने काम किया था और किस तरीके से यह मूवी हिट साबित हुई ना। तथा यह मूवी किस तरीके से बॉलीवुड पर कितना कलेक्शन किया था इसकी टोटल कमाई टोटल लागत कितनी थी इसके पीछे की कहानी क्या है और बजरंगी भाईजान की फिल्म जो है वो इसके पीछे का स्टोरी क्या है फैक्ट क्या है इस वीडियो में हम रिव्यू करने वाले हैं तो वीडियो को पूरा कंटिन्यू अंत तक देखिएगा उससे पहले अगर आप बजरंगी भाईजान के फैन हैं तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा दोस्तों बजरंगी भाईजान फिल्म एक भारतीय हिंदी फिल्म है जिसका निर्देशन कबीर खान और निर्माण सलमान खान और रॉकलिन वेंकटेश ने किया है इसमें सलमान खान करीना कपूर और नवाजुद्दीन सिद्दीकी मुख्य रूप से लीड रोल में आपको नजर आने वाले यह फिल्म सत्रह जुलाई 2015 को सभी सिनेमाघरों में प्रदर्शित हुई थी इसी के साथ मैं आपको बता दूं कि इस फिल्म की कुल लागत 93 यानी कि तिरानवे करोड़ थी और इस मूवी ने टोटल कलेक्शन जो किया था बॉक्स ऑफिस कलेक्शन कुल कारोबार नौ सौ उनहत्तर करोड़ रुपए यानी कि 969 करोड़ रुपए की, की कमाई की थी इस फिल्म में आपको दिखाई देगा कि एक पवन कुमार चतुर्वेदी होते हैं जिनका नाम सलमान खान और फिल्म में नाम होता है पवन कुमार चतुर्वेदी वो एक छोटी बच्ची जो कि हर्षिला मल्होत्रा होती है वो उसे भारत मिलता है लेकिन वह बच्ची पाकिस्तान की होती है ऐसे में सलमान खान उसे पाकिस्तान छोड़ने जाते हैं कहानी बहुत ही इंटरेस्टिंग है मूवी भी काफ़ी इंटरेस्टिंग है तो इस वीडियो में बस इतना ही अगर आप सलमान खान के फैंस हैं तो वीडियो को लाइक करके दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कर दीजिएगा मूवी रिव्यू की और एक नई वीडियो में आप सभी का स्वागत करते हैं अगर आप सलमान खान के फैंस हैं तो इस वीडियो को पूरा देखिएगा क्योंकि इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं सलमान खान की सबसे बेहतरीन मूवी बजरंगी भाईजान के बारे में यह मूवी कब रिलीज़ हुई थी मूवी की कमाई कितनी है मूवी में किस किस किरदारों ने काम किया था और किस तरीके से यह मूवी हिट साबित हुई तथा यह मूवी किस तरीके से बॉलीवुड पर कितना कलेक्शन किया था इसकी टोटल कमाई टोटल लागत कितनी थी इसके पीछे की कहानी क्या है और बजरंगी भाईजान की फ़िल्म जो है वो इसके पीछे का स्टोरी क्या है फैक्ट क्या है इस वीडियो में हम रिव्यू करने वाले हैं तो वीडियो को पूरा कंटिन्यू अंत तक देखिएगा उससे पहले अगर आप बजरंगी भाईजान के फ़ैन हैं तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा दोस्तों बजरंगी भाईजान फिल्म एक भारतीय हिंदी फिल्म है जिसका निर्देशन कबीर खान और निर्माण सलमान खान और रॉकलिन ने किया है इसमें सलमान खान करीना कपूर और नवाजुद्दीन सिद्दीकी मुख्य रूप से लीड रोल में आपको नजर आने वाले यह फिल्म सत्रह जुलाई 2015 को सभी सिनेमाघरों में प्रदर्शित हुई थी इसी के साथ मैं आपको बता दूं कि इस फिल्म की कुल लागत 93 यानी कि तिरानवे करोड़ थी और इस मूवी ने टोटल कलेक्शन जो किया था बॉक्स ऑफिस कलेक्शन कुल कारोबार नौ सौ उनहत्तर करोड़ रुपए यानी कि 969 करोड़ रुपए की, की कमाई की थी, थी इस फिल्म में आपको दिखाई देगा कि एक पवन कुमार चतुर्वेदी होते हैं जिनका नाम सलमान खान और फिल्म में नाम होता है पवन कुमार चतुर्वेदी वो एक छोटी बच्ची जो कि हर्षिला मल्होत्रा होती है वो उसे भारत मिलता है लेकिन वह बच्ची पाकिस्तान की होती है ऐसे में सलमान खान उसे पाकिस्तान छोड़ने जाते हैं कहानी बहुत ही इंटरेस्टिंग है मूवी भी काफ़ी इंटरेस्टिंग है तो इस वीडियो में बस इतना ही अगर आप सलमान खान के फैंस हैं तो वीडियो को लाइक करके दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कर दीजिएगा मूवी रिव्यू की और एक नई वीडियो में आप सभी का स्वागत करते हैं अगर आप सलमान खान के फैंस हैं तो इस वीडियो को पूरा देखिएगा क्योंकि इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं सलमान खान के सबसे बेहतरीन मूवी बजरंगी भाईजान के बारे में यह मूवी कब रिलीज़ हुई थी मूवी की कमाई कितनी है मूवी में किस किस किरदारों ने काम किया था और किस तरीके से यह मूवी हिट साबित हुई ना। तथा यह मूवी किस तरीके से बॉलीवुड पर कितना कलेक्शन किया था इसकी टोटल कमाई टोटल लागत कितनी थी इसके पीछे की कहानी क्या है और बजरंगी भाईजान की फ़िल्म जो है वो इसके पीछे का स्टोरी क्या है फैक्ट क्या है इस वीडियो में हम रिव्यू करने वाले हैं तो वीडियो को पूरा कंटिन्यू अंत तक देखिएगा उससे पहले अगर आप बजरंगी भाईजान के फ़ैन हैं तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा दोस्तों बजरंगी भाईजान फिल्म एक भारतीय हिंदी फिल्म है जिसका निर्देशन कबीर खान और निर्माण सलमान खान और रोकलिन वेंकटेश ने किया है इसमें सलमान खान करीना कपूर और नवाजुद्दीन सिद्दीकी मुख्य रूप से लीड रोल में आपको नजर आने वाले हैं यह फिल्म सत्रह जुलाई 2015 को सभी सिनेमाघरों में प्रदर्शित हुई थी इसी के साथ मैं आपको बता दूं कि इस फिल्म की कुल लागत 93 यानी कि तिरानवे करोड़ थी और इस मूवी ने टोटल कलेक्शन जो किया था बॉक्स ऑफिस कलेक्शन कुल कारोबार नौ सौ उनहत्तर करोड़ रुपए यानी कि 969 करोड़ रुपए की कमाई की थी इस फिल्म में आपको दिखाई देगा कि एक पवन कुमार चतुर्वेदी होते हैं जिनका नाम सलमान खान और फिल्म में नाम होता है पवन कुमार छत्रपति वह एक छोटी बच्ची जो कि हर्षिला मल्होत्रा होती है वो उसे भारत मिलता है लेकिन वह बच्ची पाकिस्तान की होती है ऐसे में सलमान खान उसे पाकिस्तान छोड़ने जाते हैं कहानी बहुत ही इंटरेस्टिंग है मूवी भी काफ़ी इंटरेस्टिंग है तो इस वीडियो में बस इतना ही अगर आप सलमान खान के फैंस हैं तो वीडियो को लाइक करके दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कर दीजिएगा मूवी रिव्यू की और एक नई वीडियो में आप सभी का स्वागत करते हैं अगर आप सलमान खान के फैंस हैं तो इस वीडियो को पूरा देखिएगा क्योंकि इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं सलमान खान के सबसे बेहतरीन मूवी बजरंगी भाईजान के बारे में यह मूवी कब रिलीज़ हुई थी मूवी की कमाई कितनी है मूवी में किस किस किरदारों ने काम किया था और किस तरीके से यह मूवी हिट साबित हुई ना। तथा यह मूवी किस तरीके से बॉलीवुड पर कितना कलेक्शन किया था इसकी टोटल कमाई टोटल लागत कितनी थी इसके पीछे की कहानी क्या है और बजरंगी भाईजान की फिल्म जो है वो इसके पीछे का स्टोरी क्या है फैक्ट क्या है इस वीडियो में हम रिव्यू करने वाले हैं तो वीडियो को पूरा कंटिन्यू अंत तक देखिएगा उससे पहले अगर आप बजरंगी भाईजान के फैन हैं तो इस वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा दोस्तों बजरंगी भाईजान फिल्म एक भारतीय हिंदी फिल्म है जिसका निर्देशन कबीर खान और निर्माण सलमान खान और रॉकलिन वेंकटेश ने किया है इसमें सलमान खान करीना कपूर और नवाजुद्दीन सिद्दीकी मुख्य रूप से लीड रोल में आपको नजर आने वाले हैं यह फिल्म सत्रह जुलाई 2015 को सभी सिनेमाघरों में प्रदर्शित हुई थी इसी के साथ मैं आपको बता दूं कि इस फिल्म की कुल लागत 93 यानी कि तिरानवे करोड़ थी और इस मूवी ने टोटल कलेक्शन जो किया था बॉक्स ऑफिस कलेक्शन कुल कारोबार नौ सौ उनहत्तर करोड़ रुपए यानी कि 969 करोड़ रुपए की, की कमाई की थी इस फिल्म में आपको दिखाई देगा कि एक पवन कुमार चतुर्वेदी होते हैं जिनका नाम सलमान खान और फिल्म में नाम होता है पवन कुमार चतुर्वेदी वो एक छोटी बच्ची जो कि हर्षिला मल्होत्रा होती है वो उसे भारत मिलता है लेकिन वह बच्ची पाकिस्तान की होती है ऐसे में सलमान खान उसे पाकिस्तान छोड़ने जाते हैं कहानी बहुत ही इंटरेस्टिंग है मूवी भी काफ़ी इंटरेस्टिंग है जिस वीडियो में बस इतना ही अगर आप सलमान खान के फैंस हैं तो वीडियो को लाइक करके दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कर दीजिएगा मूवी रिव्यू की और एक नई वीडियो में आप सभी का स्वागत करते हैं अगर आप सलमान खान के फैंस हैं तो इस वीडियो को पूरा देखिएगा क्योंकि इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं सलमान खान के सबसे बेहतरीन मूवी बजरंगी भाईजान के बारे में यह मूवी कब रिलीज़ हुई थी मूवी की कमाई कितनी है मूवी में किस किस किरदारों ने काम किया था और किस तरीके से यह मूवी हिट साबित हुई ना। तथा यह मूवी किस तरीके से बॉलीवुड पर कितना कलेक्शन किया था इसकी टोटल कमाई टोटल लागत कितनी थी इसके पीछे की कहानी क्या है और बजरंगी भाईजान की फ़िल्म जो है वो इसके पीछे का स्टोरी क्या है फैक्ट क्या है इस वीडियो में हम रिव्यू करने वाले हैं तो वीडियो को पूरा कंटिन्यू अंत तक देखिएगा उससे पहले अगर आप बजरंगी भाईजान के फैन हैं तो इस वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा दोस्तों बजरंगी भाईजान फिल्म एक भारतीय हिंदी फिल्म है जिसका निर्देशन कबीर खान और निर्माण सलमान खान और रोकलिन वेंकटेश ने किया है इसमें सलमान खान करीना कपूर और नवाजुद्दीन सिद्दीकी मुख्य रूप से लीड रोल में आपको नजर आने वाले यह फिल्म सत्रह जुलाई 2015 को सभी सिनेमाघरों में प्रदर्शित हुई थी इसी के साथ मैं आपको बता दूं कि इस फिल्म की कुल लागत 93 यानी कि तिरानवे करोड़ थी और इस मूवी ने टोटल कलेक्शन जो किया था बॉक्स ऑफिस कलेक्शन कुल कारोबार नौ करोड़ रुपए यानी कि 969 करोड़ रुपए की नाएं कमाई की थी इस फिल्म में आपको दिखाई देगा कि एक पवन कुमार चतुर्वेदी होते हैं जिनका नाम सलमान खान और फिल्म में नाम होता है पवन कुमार चतुर्वेदी वो एक छोटी बच्ची जो कि हर्षिला मल्होत्रा होती है वो उसे भारत मिलता है लेकिन वह बच्ची पाकिस्तान की होती है ऐसे में सलमान खान उसे पाकिस्तान छोड़ने जाते हैं कहानी बहुत ही इंटरेस्टिंग है मूवी भी काफ़ी इंटरेस्टिंग है तो इस वीडियो में बस इतना ही अगर आप सलमान खान के फैंस हैं तो वीडियो को लाइक करके दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कर दीजिएगा मूवी रिव्यू की और एक नई वीडियो में आप सभी का स्वागत करते हैं अगर आप सलमान खान के फैंस हैं तो इस वीडियो को पूरा देखिएगा क्योंकि इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं सलमान खान के सबसे बेहतरीन मूवी बजरंगी भाईजान के बारे में यह मूवी कब रिलीज़ हुई थी मूवी की कमाई कितनी है मूवी में किस किस किरदारों ने काम किया था और किस तरीके से यह मूवी हिट साबित हुई ना। तथा यह मूवी किस तरीके से बॉलीवुड पर कितना कलेक्शन किया था इसकी टोटल कमाई टोटल लागत कितनी थी इसके पीछे की कहानी क्या है और बजरंगी भाईजान की फ़िल्म जो है वो इसके पीछे का स्टोरी क्या है फैक्ट क्या है इस वीडियो में हम रिव्यू करने वाले हैं तो वीडियो को पूरा कंटिन्यू अंत तक देखिएगा उससे पहले अगर आप बजरंगी भाईजान के फैन हैं तो इस वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा दोस्तों बजरंगी भाईजान फिल्म एक भारतीय हिंदी फिल्म है जिसका निर्देशन कबीर खान और निर्माण सलमान खान और रॉकलिन वेंकटेश ने किया है इसमें सलमान खान करीना कपूर और नवाजुद्दीन सिद्दीकी मुख्य रूप से लीड रोल में आपको नजर आने वाले यह फिल्म सत्रह जुलाई 2015 को सभी सिनेमाघरों में प्रदर्शित हुई थी इसी के साथ मैं आपको बता दूं कि इस फिल्म की कुल लागत 93 यानी कि तिरानवे करोड़ थी और इस मूवी ने टोटल कलेक्शन जो किया था बॉक्स ऑफिस कलेक्शन कुल कारोबार उनहत्तर करोड़ रुपए यानी कि 969 करोड़ रुपए की कमाई की थी इस फिल्म में आपको दिखाई देगा कि एक पवन कुमार चतुर्वेदी होते हैं जिनका नाम सलमान खान और फिल्म में नाम होता है पवन कुमार चतुर्वेदी वो एक छोटी बच्ची जो कि हर्षिला मल्होत्रा होती है वो उसे भारत मिलता है लेकिन वह बच्ची पाकिस्तान की होती है ऐसे में सलमान खान उसे पाकिस्तान छोड़ने जाते हैं कहानी बहुत ही इंटरेस्टिंग है मूवी भी काफ़ी इंटरेस्टिंग है तो इस वीडियो में बस इतना ही अगर आप सलमान खान के फैंस हैं तो वीडियो को लाइक करके दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कर दीजिएगा मूवी रिव्यू की और एक नई वीडियो में आप सभी का स्वागत करते हैं अगर आप सलमान खान के फैंस हैं तो इस वीडियो को पूरा देखिएगा क्योंकि इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं सलमान खान के सबसे बेहतरीन मूवी बजरंगी भाईजान के बारे में यह मूवी कब रिलीज़ हुई थी मूवी की कमाई कितनी है मूवी में किस किस किरदारों ने काम किया था और किस तरीके से यह मूवी हिट साबित हुई ना। तथा यह मूवी किस तरीके से बॉलीवुड पर कितना कलेक्शन किया था इसकी टोटल कमाई टोटल लागत कितनी थी इसके पीछे की कहानी क्या है और बजरंगी भाईजान की फिल्म जो है वो इसके पीछे का स्टोरी क्या है फैक्ट क्या है इस वीडियो में हम रिव्यू करने वाले हैं तो वीडियो को पूरा कंटिन्यू अंत तक देखिएगा उससे पहले अगर आप बजरंगी भाईजान के फैन हैं तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा दोस्तों बजरंगी भाईजान फिल्म एक भारतीय हिंदी फिल्म है जिसका निर्देशन कबीर खान और निर्माण सलमान खान और रॉकलिन वेंकटेश ने किया है इसमें सलमान खान करीना कपूर और नवाजुद्दीन सिद्दीकी मुख्य रूप से लीड रोल में आपको नजर आने वाले हैं यह फिल्म सत्रह जुलाई 2015 को सभी सिनेमाघरों में प्रदर्शित हुई थी इसी के साथ मैं आपको बता दूं कि इस फिल्म की कुल लागत 93 यानी कि तिरानवे करोड़ थी और इस मूवी ने टोटल कलेक्शन जो किया था बॉक्स ऑफिस कलेक्शन कुल कारोबार नौ सौ उनहत्तर करोड़ रुपए यानी कि नाइन सिक्स नाइन करोड़ रुपए की कमाई की थी इस फिल्म में आपको दिखाई देगा कि एक पवन कुमार चतुर्वेदी होते हैं जिनका नाम सलमान खान और फिल्म में नाम होता है पवन कुमार चतुर्वेदी वो एक छोटी बच्ची जो कि हर्षिला मल्होत्रा होती है वो उसे भारत मिलता है लेकिन वह बच्ची पाकिस्तान की होती है ऐसे में सलमान खान उसे पाकिस्तान छोड़ने जाते हैं कहानी बहुत ही इंटरेस्टिंग है मूवी भी काफ़ी इंटरेस्टिंग है तो इस वीडियो में बस इतना ही अगर आप सलमान खान के फैंस हैं तो वीडियो को लाइक करके दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कर दीजिएगा मूवी रिव्यू की और एक नई वीडियो में आप सभी का स्वागत करते हैं अगर आप सलमान खान के फैंस हैं तो इस वीडियो को पूरा देखिएगा क्योंकि इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं सलमान खान की सबसे बेहतरीन मूवी बजरंगी भाईजान के बारे में यह मूवी कब रिलीज़ हुई थी मूवी की कमाई कितनी है मूवी में किस किस किरदारों ने काम किया था और किस तरीके से यह मूवी हिट साबित हुई तथा यह मूवी किस तरीके से बॉलीवुड पर कितना कलेक्शन किया था इसकी टोटल कमाई टोटल लागत कितनी थी इसके पीछे की कहानी क्या है और बजरंगी भाईजान की फ़िल्म जो है वो इसके पीछे का स्टोरी क्या है फैक्ट क्या है इस वीडियो में हम रिव्यू करने वाले हैं तो वीडियो को पूरा कंटिन्यू अंत तक देखिएगा उससे पहले अगर आप बजरंगी भाईजान के फैन हैं तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा दोस्तों बजरंगी भाईजान फिल्म एक भारतीय हिंदी फिल्म है जिसका निर्देशन कबीर खान और निर्माण सलमान खान और ने किया है। इसमें सलमान खान करीना कपूर और नवाजुद्दीन सिद्दीकी मुख्य रूप से लीड रोल में आपको नजर आने वाले यह फिल्म सत्रह जुलाई 2015 को सभी सिनेमाघरों में प्रदर्शित हुई थी इसी के साथ मैं आपको बता दूं कि इस फिल्म की कुल लागत 93 यानी कि तिरानवे करोड़ थी और इस मूवी ने टोटल कलेक्शन जो किया था बॉक्स ऑफिस कलेक्शन कुल कारोबार नौ सौ उनहत्तर करोड़ रुपए यानी कि 969 करोड़ रुपए की कमाई की थी, थी इस फिल्म में आपको दिखाई देगा कि एक पवन कुमार चतुर्वेदी होते हैं जिनका नाम सलमान खान और फिल्म में नाम होता है पवन कुमार चतुर्वेदी वो एक छोटी बच्ची जो कि हर्षिला मल्होत्रा होती है वो उसे भारत मिलता है लेकिन वह बच्ची पाकिस्तान की होती है ऐसे में सलमान खान उसे पाकिस्तान छोड़ने जाते हैं कहानी बहुत ही इंटरेस्टिंग है मूवी भी काफ़ी इंटरेस्टिंग है तो इस वीडियो में बस इतना ही अगर आप सलमान खान के फैंस हैं तो वीडियो को लाइक करके दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कर दीजिएगा मूवी रिव्यू की और एक नई वीडियो में आप सभी का स्वागत करते हैं अगर आप सलमान खान के फैंस हैं तो इस वीडियो को पूरा देखिएगा क्योंकि इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं सलमान खान के सबसे बेहतरीन मूवी बजरंगी भाईजान के बारे में यह मूवी कब रिलीज़ हुई थी मूवी की कमाई कितनी है मूवी में किस किस किरदारों ने काम किया था और किस तरीके से यह मूवी हिट साबित हुई ना तथा यह मूवी किस तरीके से बॉलीवुड पर कितना कलेक्शन किया था इसकी टोटल कमाई टोटल लागत कितनी थी इसके पीछे की कहानी क्या है और बजरंगी भाईजान की फिल्म जो है वो इसके पीछे का स्टोरी क्या है फैक्ट क्या है इस वीडियो में हम रिव्यू करने वाले हैं तो वीडियो को पूरा कंटिन्यू अंत तक देखिएगा उससे पहले अगर आप बजरंगी भाईजान के फैन हैं तो इस वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा दोस्तों बजरंगी भाईजान फिल्म एक भारतीय हिंदी फिल्म है जिसका निर्देशन कबीर खान और निर्माण सलमान खान और रॉकलिन वेंकटेश ने किया है इसमें सलमान खान करीना कपूर और नवाजुद्दीन सिद्दीकी मुख्य रूप से लीड रोल में आपको नजर आने वाले यह फिल्म सत्रह जुलाई 2015 को सभी सिनेमाघरों में प्रदर्शित हुई थी इसी के साथ मैं आपको बता दूं कि इस फिल्म की कुल लागत 93 यानी कि तिरानवे करोड़ थी और इस मूवी ने टोटल कलेक्शन जो किया था बॉक्स ऑफिस कलेक्शन कुल कारोबार नौ सौ उनहत्तर करोड़ रुपए यानी कि 969 करोड़ रुपए की कमाई की थी इस फिल्म में आपको दिखाई देगा कि एक पवन कुमार चतुर्वेदी होते हैं जिनका नाम सलमान खान और फिल्म में नाम होता है पवन कुमार चतुर्वेदी वो एक छोटी बच्ची जो कि हर्षिला मल्होत्रा होती है वो उसे भारत मिलता है लेकिन वह बच्ची पाकिस्तान की होती है ऐसे में सलमान खान उसे पाकिस्तान छोड़ने जाते हैं कहानी बहुत ही इंटरेस्टिंग है मूवी भी काफ़ी इंटरेस्टिंग है इस वीडियो में बस इतना ही अगर आप सलमान खान के फैंस हैं तो वीडियो को लाइक करके दोस्तों के साथ शेयर जरूर कर दीजिएगा मूवी रिव्यू की और एक नई वीडियो में आप सभी का स्वागत करते हैं अगर आप सलमान खान के फैंस हैं तो इस वीडियो को पूरा देखिएगा क्योंकि इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं सलमान खान के सबसे बेहतरीन मूवी बजरंगी भाईजान के बारे में यह मूवी कब रिलीज़ हुई थी मूवी की कमाई कितनी है मूवी में किस किस किरदारों ने काम किया था और किस तरीके से यह मूवी हिट साबित हुई ना। तथा यह मूवी किस तरीके से बॉलीवुड पर कितना कलेक्शन किया था इसकी टोटल कमाई टोटल लागत कितनी थी इसके पीछे की कहानी क्या है और बजरंगी भाईजान की फ़िल्म जो है वो इसके पीछे का स्टोरी क्या है फैक्ट क्या है इस वीडियो में हम रिव्यू करने वाले हैं तो वीडियो को पूरा कंटिन्यू अंत तक देखिएगा उससे पहले अगर आप बजरंगी भाईजान के फैन हैं तो इस वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा दोस्तों बजरंगी भाईजान फिल्म एक भारतीय हिंदी फिल्म है जिसका निर्देशन कबीर खान और निर्माण सलमान खान और रॉकलिन वेंकटेश ने किया है इसमें सलमान खान करीना कपूर और नवाजुद्दीन सिद्दीकी मुख्य रूप से लीड रोल में आपको नजर आने वाले यह फिल्म सत्रह जुलाई 2015 को सभी सिनेमाघरों में प्रदर्शित हुई थी इसी के साथ मैं आपको बता दूं कि इस फिल्म की कुल लागत 93 यानी कि तिरानवे करोड़ थी और इस मूवी ने टोटल कलेक्शन जो किया था बॉक्स ऑफिस कलेक्शन कुल कारोबार नौ करोड़ रुपए यानी कि 969 करोड़ रुपए की नाएं कमाई की थी, थी इस फिल्म में आपको दिखाई देगा कि एक पवन कुमार चतुर्वेदी होते हैं जिनका नाम सलमान खान और फिल्म में नाम होता है पवन कुमार चतुर्वेदी वो एक छोटी बच्ची जो कि हर्षिला मल्होत्रा होती है वो उसे भारत मिलता है लेकिन वह बच्ची पाकिस्तान की होती है ऐसे में सलमान खान उसे पाकिस्तान छोड़ने जाते हैं कहानी बहुत ही इंटरेस्टिंग है मूवी भी काफ़ी इंटरेस्टिंग है तो इस वीडियो में बस इतना ही अगर आप सलमान खान के फैंस हैं तो वीडियो को लाइक करके दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कर दीजिएगा मूवी रिव्यू की और एक नई वीडियो में आप सभी का स्वागत करते हैं अगर आप सलमान खान के फैंस हैं तो इस वीडियो को पूरा देखिएगा क्योंकि इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं सलमान खान के सबसे बेहतरीन मूवी बजरंगी भाईजान के बारे में यह मूवी कब रिलीज़ हुई थी मूवी की कमाई कितनी है मूवी में किस किस किरदारों ने काम किया था और किस तरीके से यह मूवी हिट साबित हुई ना। तथा यह मूवी किस तरीके से बॉलीवुड पर कितना कलेक्शन किया था इसकी टोटल कमाई टोटल लागत कितनी थी इसके पीछे की कहानी क्या है और बजरंगी भाईजान की फ़िल्म जो है वो इसके पीछे का स्टोरी क्या है फैक्ट क्या है इस वीडियो में हम रिव्यू करने वाले हैं तो वीडियो को पूरा कंटिन्यू अंत तक देखिएगा उससे पहले अगर आप बजरंगी भाईजान के फैन हैं तो इस वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा दोस्तों बजरंगी भाईजान फिल्म एक भारतीय हिंदी फिल्म है जिसका निर्देशन कबीर खान और निर्माण सलमान खान और रॉकलिन वेंकटेश ने किया है इसमें सलमान खान करीना कपूर और नवाजुद्दीन सिद्दीकी मुख्य रूप से लीड रोल में आपको नजर आने वाले यह फिल्म सत्रह जुलाई 2015 को सभी सिनेमाघरों में प्रदर्शित हुई थी इसी के साथ मैं आपको बता दूं कि इस फिल्म की कुल लागत 93 यानी कि तिरानवे करोड़ थी और इस मूवी ने टोटल कलेक्शन जो किया था बॉक्स ऑफिस कलेक्शन कुल कारोबार उनहत्तर करोड़ रुपए यानी कि 969 करोड़ रुपए की कमाई की थी इस फिल्म में आपको दिखाई देगा कि एक पवन कुमार चतुर्वेदी होते हैं जिनका नाम सलमान खान और फिल्म में नाम होता है पवन कुमार चतुर्वेदी वो एक छोटी बच्ची जो कि हर्षिला मल्होत्रा होती है वह उसे भारत मिलता है लेकिन वह बच्ची पाकिस्तान की होती है ऐसे में सलमान खान उसे पाकिस्तान छोड़ने जाते हैं कहानी बहुत ही इंटरेस्टिंग है मूवी भी काफ़ी इंटरेस्टिंग है तो इस वीडियो में बस इतना ही अगर आप सलमान खान के फैंस हैं तो वीडियो को लाइक करके दोस्तों के साथ शेयर जरूर कर दीजिएगा मूवी रिव्यू की और एक नई वीडियो में आप सभी का स्वागत करते हैं अगर आप सलमान खान के फैंस हैं तो इस वीडियो को पूरा देखिएगा क्योंकि इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं सलमान खान के सबसे बेहतरीन मूवी बजरंगी भाईजान के बारे में यह मूवी कब रिलीज़ हुई थी मूवी की कमाई कितनी है मूवी में किस किस किरदारों ने काम किया था और किस तरीके से यह मूवी हिट साबित हुई ना। तथा यह मूवी किस तरीके से बॉलीवुड पर कितना कलेक्शन किया था इसकी टोटल कमाई टोटल लागत कितनी थी इसके पीछे की कहानी क्या है और बजरंगी भाईजान की फिल्म जो है वो इसके पीछे का स्टोरी क्या है फैक्ट क्या है इस वीडियो में हम रिव्यू करने वाले हैं तो वीडियो को पूरा कंटिन्यू अंत तक देखिएगा उससे पहले अगर आप बजरंगी भाईजान के फैन हैं तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा दोस्तों बजरंगी भाईजान फिल्म एक भारतीय हिंदी फिल्म है जिसका निर्देशन कबीर खान और निर्माण सलमान खान और रॉकलिन टेश ने किया है इसमें सलमान खान करीना कपूर और नवाजुद्दीन सिद्दीकी मुख्य रूप से लीड रोल में आपको नजर आने वाले यह फिल्म सत्रह जुलाई 2015 को सभी सिनेमाघरों में प्रदर्शित हुई थी इसी के साथ मैं आपको बता दूं कि इस फिल्म की कुल लागत 93 यानी कि तिरानवे करोड़ थी और इस मूवी ने टोटल कलेक्शन जो किया था बॉक्स ऑफिस कलेक्शन कुल कारोबार नौ सौ उनहत्तर करोड़ रुपए करोड़ रुपए की कमाई की थी इस फिल्म में आपको दिखाई देगा कि एक पवन कुमार चतुर्वेदी होते हैं जिनका नाम सलमान खान और फिल्म में नाम होता है पवन कुमार चतुर्वेदी वह एक छोटी बच्ची जो कि हर्षिला मल्होत्रा होती है वो उसे भारत मिलता है लेकिन वह बच्ची पाकिस्तान की होती है ऐसे में सलमान खान उसे पाकिस्तान छोड़ने जाते हैं कहानी बहुत ही इंटरेस्टिंग है मूवी भी काफ़ी इंटरेस्टिंग है तो इस वीडियो में बस इतना ही अगर आप सलमान खान के फैंस हैं तो वीडियो को लाइक करके दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कर दीजिएगा मूवी रिव्यू की और एक नई वीडियो में आप सभी का स्वागत करते हैं अगर आप सलमान खान के फैंस हैं तो इस वीडियो को पूरा देखिएगा क्योंकि इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं सलमान खान की सबसे बेहतरीन मूवी बजरंगी भाईजान के बारे में यह मूवी कब रिलीज़ हुई थी मूवी की कमाई कितनी है मूवी में किस किस किरदारों ने काम किया था और किस तरीके से यह मूवी हिट साबित हुई तथा यह मूवी किस तरीके से बॉलीवुड पर कितना कलेक्शन किया था इसकी टोटल कमाई टोटल लागत कितनी थी इसके पीछे की कहानी क्या है और बजरंगी भाईजान की फ़िल्म जो है वो इसके पीछे का स्टोरी क्या है फैक्ट क्या है इस वीडियो में हम रिव्यू करने वाले हैं तो वीडियो को पूरा कंटिन्यू अंत तक देखिएगा उससे पहले अगर आप बजरंगी भाईजान के फैन हैं तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा दोस्तों बजरंगी भाईजान फिल्म एक भारतीय हिंदी फिल्म है जिसका निर्देशन कबीर खान और निर्माण सलमान खान और रॉकलिन वेंकटेश ने किया है इसमें सलमान खान करीना कपूर और नवाजुद्दीन सिद्दीकी मुख्य रूप से लीड रोल में आपको नजर आने वाले यह फिल्म सत्रह जुलाई 2015 को सभी सिनेमाघरों में प्रदर्शित हुई थी इसी के साथ मैं आपको बता दूं कि इस फिल्म की कुल लागत 93 यानी कि तिरानवे करोड़ थी और इस मूवी ने टोटल कलेक्शन जो किया था बॉक्स ऑफिस कलेक्शन कुल कारोबार नौ सौ उनहत्तर करोड़ रुपए यानी कि 969 करोड़ रुपए की, की कमाई की थी इस फिल्म में आपको दिखाई देगा कि एक पवन कुमार चतुर्वेदी होते हैं जिनका नाम सलमान खान और फिल्म में नाम होता है पवन कुमार चतुर्वेदी वो एक छोटी बच्ची जो कि हर्षिला मल्होत्रा होती है वो उसे भारत मिलता है लेकिन वह बच्ची पाकिस्तान की होती है ऐसे में सलमान खान उसे पाकिस्तान छोड़ने जाते हैं कहानी बहुत ही इंटरेस्टिंग है मूवी भी काफ़ी इंटरेस्टिंग है तो इस वीडियो में बस इतना ही अगर आप सलमान खान के फैंस हैं तो वीडियो को लाइक करके दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कर दीजिएगा मूवी रिव्यू की और एक नई वीडियो में आप सभी का स्वागत करते हैं अगर आप सलमान खान के फैंस हैं तो इस वीडियो को पूरा देखिएगा क्योंकि इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं सलमान खान के सबसे बेहतरीन मूवी बजरंगी भाईजान के बारे में यह मूवी कब रिलीज़ हुई थी मूवी की कमाई कितनी है मूवी में किस किस किरदारों ने काम किया था और किस तरीके से यह मूवी हिट साबित हुई तथा यह मूवी किस तरीके से बॉलीवुड पर कितना कलेक्शन किया था इसकी टोटल कमाई टोटल लागत कितनी थी इसके पीछे की कहानी क्या है और बजरंगी भाईजान की फ़िल्म जो है वो इसके पीछे का स्टोरी क्या है फैक्ट क्या है इस वीडियो में हम रिव्यू करने वाले हैं तो वीडियो को पूरा कंटिन्यू अंत तक देखिएगा उससे पहले अगर आप बजरंगी भाईजान के फैन हैं तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा दोस्तों बजरंगी भाईजान फिल्म एक भारतीय हिंदी फिल्म है जिसका निर्देशन कबीर खान और निर्माण सलमान खान और रोकलिन वेंकटेश ने किया है इसमें सलमान खान करीना कपूर और नवाजुद्दीन सिद्दीकी मुख्य रूप से लीड रोल में आपको नजर आने वाले हैं यह फिल्म सत्रह जुलाई 2015 को सभी सिनेमाघरों में प्रदर्शित हुई थी इसी के साथ मैं आपको बता दूं कि इस फिल्म की कुल लागत 93 यानी कि तिरानवे करोड़ थी और इस मूवी ने टोटल कलेक्शन जो किया था बॉक्स ऑफिस कलेक्शन कुल कारोबार नौ सौ करोड़ रुपए यानी कि 969 करोड़ रुपए की कमाई की थी, थी इस फिल्म में आपको दिखाई देगा कि एक पवन कुमार चतुर्वेदी होते हैं जिनका नाम सलमान खान और फिल्म में नाम होता है पवन कुमार छत्रपति वो एक छोटी बच्ची जो कि हर्षिला मल्होत्रा होती है वो उसे भारत मिलता है लेकिन वह बच्ची पाकिस्तान की होती है ऐसे में सलमान खान उसे पाकिस्तान छोड़ने जाते हैं कहानी बहुत ही इंटरेस्टिंग है मूवी भी काफ़ी इंटरेस्टिंग है तो इस वीडियो में बस इतना ही अगर आप सलमान खान के फैंस हैं तो वीडियो को लाइक करके दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कर दीजिएगा मूवी रिव्यू की और एक नई वीडियो में आप सभी का स्वागत करते हैं अगर आप सलमान खान के फैंस हैं तो इस वीडियो को पूरा देखिएगा क्योंकि इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं सलमान खान के सबसे बेहतरीन मूवी बजरंगी भाईजान के बारे में यह मूवी कब रिलीज़ हुई थी मूवी की कमाई कितनी है मूवी में किस किस किरदारों ने काम किया था और किस तरीके से यह मूवी हिट साबित हुई ना तथा यह मूवी किस तरीके से बॉलीवुड पर कितना कलेक्शन किया था इसकी टोटल कमाई टोटल लागत कितनी थी इसके पीछे की कहानी क्या है और बजरंगी भाईजान की फिल्म जो है वो इसके पीछे का स्टोरी क्या है फैक्ट क्या है इस वीडियो में हम रिव्यू करने वाले हैं तो वीडियो को पूरा कंटिन्यू अंत तक देखिएगा उससे पहले अगर आप बजरंगी भाईजान के फैन हैं इस वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा दोस्तों बजरंगी भाईजान फिल्म एक भारतीय हिंदी फिल्म है जिसका निर्देशन कबीर खान और निर्माण सलमान खान और रोकलिन वेंकटेश ने किया है इसमें सलमान खान करीना कपूर और नवाजुद्दीन सिद्दीकी मुख्य रूप से लीड रोल में आपको नजर आने वाले हैं यह फिल्म सत्रह जुलाई 2015 को सभी सिनेमाघरों में प्रदर्शित हुई थी इसी के साथ मैं आपको बता दूं कि इस फिल्म की कुल लागत 93 यानी कि तिरानवे करोड़ थी और इस मूवी ने टोटल कलेक्शन जो किया था बॉक्स ऑफिस कलेक्शन कुल कारोबार नौ सौ करोड़ रुपए यानी कि 969 करोड़ रुपए की कमाई की थी इस फिल्म में आपको दिखाई देगा कि एक पवन कुमार चतुर्वेदी होते हैं जिनका नाम सलमान खान और फिल्म में नाम होता है पवन कुमार चतुर्वेदी वो एक छोटी बच्ची जो कि हर्षिला मल्होत्रा होती है वो उसे भारत मिलता है लेकिन वह बच्ची पाकिस्तान की होती है ऐसे में सलमान खान उसे पाकिस्तान छोड़ने जाते हैं कहानी बहुत ही इंटरेस्टिंग है मूवी भी काफ़ी इंटरेस्टिंग है तो इस वीडियो में बस इतना ही अगर आप सलमान खान के फैंस हैं तो वीडियो को लाइक करके दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कर दीजिएगा मूवी रिव्यू की और एक नई वीडियो में आप सभी का स्वागत करते हैं अगर आप सलमान खान के फैंस हैं तो इस वीडियो को पूरा देखिएगा क्योंकि इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं सलमान खान के सबसे बेहतरीन मूवी बजरंगी भाईजान के बारे में यह मूवी कब रिलीज़ हुई थी मूवी की कमाई कितनी है मूवी में किस किस किरदारों ने काम किया था और किस तरीके से यह मूवी हिट साबित हुई ना। तथा यह मूवी किस तरीके से बॉलीवुड पर कितना कलेक्शन किया था इसकी टोटल कमाई टोटल लागत कितनी थी इसके पीछे की कहानी क्या है और बजरंगी भाईजान की फिल्म जो है वो इसके पीछे का स्टोरी क्या है फैक्ट क्या है इस वीडियो में हम रिव्यू करने वाले हैं है। तो वीडियो को पूरा कंटिन्यू अंत तक देखिएगा उससे पहले अगर आप बजरंगी भाईजान के फैन हैं तो इस वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा दोस्तों बजरंगी भाईजान फिल्म एक भारतीय हिंदी फिल्म है जिसका निर्देशन कबीर खान और निर्माण सलमान खान और रॉकलिन वेंकटेश ने किया है इसमें सलमान खान करीना कपूर और नवाजुद्दीन सिद्दीकी मुख्य रूप से लीड रोल में आपको नजर आने वाले यह फिल्म सत्रह जुलाई 2015 को सभी सिनेमाघरों में प्रदर्शित हुई थी इसी के साथ मैं आपको बता दूं कि इस फिल्म की कुल लागत 93 यानी कि तिरानवे करोड़ थी और इस मूवी ने टोटल कलेक्शन जो किया था बॉक्स ऑफिस कलेक्शन कुल कारोबार नौ करोड़ रुपए यानी कि 969 करोड़ रुपए की नाएं कमाई की थी, थी इस फिल्म में आपको दिखाई देगा कि एक पवन कुमार चतुर्वेदी होते हैं जिनका नाम सलमान खान और फिल्म में नाम होता है पवन कुमार चतुर्वेदी वो एक छोटी बच्ची जो कि हर्षिला मल्होत्रा होती है वह उसे भारत मिलता है लेकिन वह बच्ची पाकिस्तान की होती है ऐसे में सलमान खान उसे पाकिस्तान छोड़ने जाते हैं कहानी बहुत ही इंटरेस्टिंग है मूवी भी काफ़ी इंटरेस्टिंग है तो इस वीडियो में बस इतना ही अगर आप सलमान खान के फैंस हैं तो वीडियो को लाइक करके दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कर दीजिएगा मूवी रिव्यू की और एक नई वीडियो में आप सभी का स्वागत करते हैं अगर आप सलमान खान के फैंस हैं तो इस वीडियो को पूरा देखिएगा क्योंकि इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं सलमान खान के सबसे बेहतरीन मूवी बजरंगी भाईजान के बारे में यह मूवी कब रिलीज़ हुई थी मूवी की कमाई कितनी है मूवी में किस किस किरदारों ने काम किया था और किस तरीके से यह मूवी हिट साबित हुई ना। तथा यह मूवी किस तरीके से बॉलीवुड पर कितना कलेक्शन किया था इसकी टोटल कमाई टोटल लागत कितनी थी इसके पीछे की कहानी क्या है और बजरंगी भाईजान की फिल्म जो है वो इसके पीछे का स्टोरी क्या है फैक्ट क्या है इस वीडियो में हम रिव्यू करने वाले हैं तो वीडियो को पूरा कंटिन्यू अंत तक देखिएगा उससे पहले अगर आप बजरंगी भाईजान के फैन हैं तो इस वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा दोस्तों बजरंगी भाईजान फिल्म एक भारतीय हिंदी फिल्म है जिसका निर्देशन कबीर खान और निर्माण सलमान खान और रॉकलिन वेंकटेश ने किया है इसमें सलमान खान करीना कपूर और नवाजुद्दीन सिद्दीकी मुख्य रूप से लीड रोल में आपको नजर आने वाले यह फिल्म सत्रह जुलाई 2015 को सभी सिनेमाघरों में प्रदर्शित हुई थी इसी के साथ मैं आपको बता दूं कि इस फिल्म की कुल लागत 93 यानी कि तिरानवे करोड़ थी और इस मूवी ने टोटल कलेक्शन जो किया था बॉक्स ऑफिस कलेक्शन कुल कारोबार नौ करोड़ रुपए यानी कि 969 करोड़ रुपए की कमाई की थी इस फिल्म में आपको दिखाई देगा कि एक पवन कुमार चतुर्वेदी होते हैं जिनका नाम सलमान खान और फिल्म में नाम होता है पवन कुमार चतुर्वेदी वो एक छोटी बच्ची जो कि हर्षिला मल्होत्रा होती है वो उसे भारत मिलता है लेकिन वह बच्ची पाकिस्तान की होती है ऐसे में सलमान खान उसे पाकिस्तान छोड़ने जाते हैं कहानी बहुत ही इंटरेस्टिंग है मूवी भी काफ़ी इंटरेस्टिंग है तो इस वीडियो में बस इतना ही अगर आप सलमान खान के फैंस हैं तो वीडियो को लाइक करके दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कर दीजिएगा मूवी रिव्यू की और एक नई वीडियो में आप सभी का स्वागत करते हैं अगर आप सलमान खान के फैंस हैं तो इस वीडियो को पूरा देखिएगा क्योंकि इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं सलमान खान के सबसे बेहतरीन मूवी बजरंगी भाईजान के बारे में यह मूवी कब रिलीज़ हुई थी मूवी की कमाई कितनी है मूवी में किस किस किरदारों ने काम किया था और किस तरीके से यह मूवी हिट साबित हुई ना। तथा यह मूवी किस तरीके से बॉलीवुड पर कितना कलेक्शन किया था इसकी टोटल कमाई टोटल लागत कितनी थी इसके पीछे की कहानी क्या है और बजरंगी भाईजान की फिल्म जो है वो इसके पीछे का स्टोरी क्या है फैक्ट क्या है इस वीडियो में हम रिव्यू करने वाले हैं तो वीडियो को पूरा कंटिन्यू अंत तक देखिएगा उससे पहले अगर आप बजरंगी भाईजान के फैन हैं तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा दोस्तों बजरंगी भाईजान फिल्म एक भारतीय हिंदी फिल्म है जिसका निर्देशन कबीर खान और निर्माण सलमान खान और रॉकलिन वेंकटेश ने किया है इसमें सलमान खान करीना कपूर और नवाजुद्दीन सिद्दीकी मुख्य रूप से लीड रोल में आपको नजर आने वाले यह फिल्म सत्रह जुलाई 2015 को सभी सिनेमाघरों में प्रदर्शित हुई थी इसी के साथ मैं आपको बता दूं कि इस फिल्म की कुल लागत 93 यानी कि तिरानवे करोड़ थी और इस मूवी ने टोटल कलेक्शन जो किया था बॉक्स ऑफिस कलेक्शन कुल कारोबार नौ सौ उनहत्तर करोड़ रुपए यानी कि नाइन सिक्स नाइन करोड़ रुपए की कमाई की थी इस फिल्म में आपको दिखाई देगा कि एक पवन कुमार चतुर्वेदी होते हैं जिनका नाम सलमान खान और फिल्म में नाम होता है पवन कुमार चतुर्वेदी वो एक छोटी बच्ची जो कि हर्षिला मल्होत्रा होती है वो उसे भारत मिलता है लेकिन वह बच्ची पाकिस्तान की होती है ऐसे में सलमान खान उसे पाकिस्तान छोड़ने जाते हैं कहानी बहुत ही इंटरेस्टिंग है मूवी भी काफ़ी इंटरेस्टिंग है तो इस वीडियो में बस इतना ही अगर आप सलमान खान के फैंस हैं तो वीडियो को लाइक करके दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कर दीजिएगा मूवी रिव्यू की और एक नई वीडियो में आप सभी का स्वागत करते हैं अगर आप सलमान खान के फैंस हैं तो इस वीडियो को पूरा देखिएगा क्योंकि इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं सलमान खान की सबसे बेहतरीन मूवी बजरंगी भाईजान के बारे में यह मूवी कब रिलीज़ हुई थी मूवी की कमाई कितनी है मूवी में किस किस किरदारों ने काम किया था और किस तरीके से यह मूवी हिट साबित हुई तथा यह मूवी किस तरीके से बॉलीवुड पर कितना कलेक्शन किया था इसकी टोटल कमाई टोटल लागत कितनी थी इसके पीछे की कहानी क्या है और बजरंगी भाईजान की फिल्म जो है वो इसके पीछे का स्टोरी क्या है फैक्ट क्या है इस वीडियो में हम रिव्यू करने वाले हैं तो वीडियो को पूरा कंटिन्यू अंत तक देखिएगा उससे पहले अगर आप बजरंगी भाईजान के फ़ैन हैं तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा दोस्तों बजरंगी भाईजान फिल्म एक भारतीय हिंदी फिल्म है जिसका निर्देशन कबीर खान और निर्माण सलमान खान और रॉकलिन ने किया है। इसमें सलमान खान करीना कपूर और नवाजुद्दीन सिद्दीकी मुख्य रूप से लीड रोल में आपको नजर आने वाले यह फिल्म सत्रह जुलाई 2015 को सभी सिनेमाघरों में प्रदर्शित हुई थी इसी के साथ मैं आपको बता दूं कि इस फिल्म की कुल लागत 93 यानी कि तिरानवे करोड़ थी और इस मूवी ने टोटल कलेक्शन जो किया था बॉक्स ऑफिस कलेक्शन कुल कारोबार नौ सौ उनहत्तर करोड़ रुपए यानी कि 969 करोड़ रुपए की, की कमाई की थी इस फिल्म में आपको दिखाई देगा कि एक पवन कुमार चतुर्वेदी होते हैं जिनका नाम सलमान खान और फिल्म में नाम होता है पवन कुमार चतुर्वेदी वो एक छोटी बच्ची जो कि हर्षिला मल्होत्रा होती है वो उसे भारत मिलता है लेकिन वह बच्ची पाकिस्तान की होती है ऐसे में सलमान खान उसे पाकिस्तान छोड़ने जाते हैं कहानी बहुत ही इंटरेस्टिंग है मूवी भी काफ़ी इंटरेस्टिंग है तो इस वीडियो में बस इतना ही अगर आप सलमान खान के फैंस हैं तो वीडियो को लाइक करके दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कर दीजिएगा मूवी रिव्यू की और एक नई वीडियो में आप सभी का स्वागत करते हैं अगर आप सलमान खान के फैंस हैं तो इस वीडियो को पूरा देखिएगा क्योंकि इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं सलमान खान के सबसे बेहतरीन मूवी बजरंगी भाईजान के बारे में यह मूवी कब रिलीज़ हुई थी मूवी की कमाई कितनी है मूवी में किस किस किरदारों ने काम किया था और किस तरीके से यह मूवी हिट साबित हुई तथा यह मूवी किस तरीके से बॉलीवुड पर कितना कलेक्शन किया था इसकी टोटल कमाई टोटल लागत कितनी थी इसके पीछे की कहानी क्या है और बजरंगी भाईजान की फ़िल्म जो है वो इसके पीछे का स्टोरी क्या है फैक्ट क्या है इस वीडियो में हम रिव्यू करने वाले हैं तो वीडियो को पूरा कंटिन्यू अंत तक देखिएगा उससे पहले अगर आप बजरंगी भाईजान के फ़ैन हैं तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा दोस्तों बजरंगी भाईजान फिल्म एक भारतीय हिंदी फिल्म है जिसका निर्देशन कबीर खान और निर्माण सलमान खान और रोकलिन वेंकटेश ने किया है इसमें सलमान खान करीना कपूर और नवाजुद्दीन सिद्दीकी मुख्य रूप से लीड रोल में आपको नजर आने वाले हैं यह फिल्म सत्रह जुलाई 2015 को सभी सिनेमाघरों में प्रदर्शित हुई थी इसी के साथ मैं आपको बता दूं कि इस फिल्म की कुल लागत 93 यानी कि तिरानवे करोड़ थी और इस मूवी ने टोटल कलेक्शन जो किया था बॉक्स ऑफिस कलेक्शन कुल कारोबार नौ करोड़ रुपए यानी कि 969 करोड़ रुपए की कमाई की थी इस फिल्म में आपको दिखाई देगा कि एक पवन कुमार चतुर्वेदी होते हैं जिनका नाम सलमान खान और फिल्म में नाम होता है पवन कुमार छत्रपति वो एक छोटी बच्ची जो कि हर्षिला मल्होत्रा होती है वो उसे भारत मिलता है लेकिन वह बच्ची पाकिस्तान की होती है ऐसे में सलमान खान उसे पाकिस्तान छोड़ने जाते हैं कहानी बहुत ही इंटरेस्टिंग है मूवी भी काफ़ी इंटरेस्टिंग है तो इस वीडियो में बस इतना ही अगर आप सलमान खान के फैंस हैं तो वीडियो को लाइक करके दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कर दीजिएगा मूवी रिव्यू की और एक नई वीडियो में आप सभी का स्वागत करते हैं अगर आप सलमान खान के फैंस हैं तो इस वीडियो को पूरा देखिएगा क्योंकि इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं सलमान खान के सबसे बेहतरीन मूवी बजरंगी भाईजान के बारे में यह मूवी कब रिलीज़ हुई थी मूवी की कमाई कितनी है मूवी में किस किस किरदारों ने काम किया था और किस तरीके से यह मूवी हिट साबित हुई ना तथा यह मूवी किस तरीके से बॉलीवुड पर कितना कलेक्शन किया था इसकी टोटल कमाई टोटल लागत कितनी थी इसके पीछे की कहानी क्या है और बजरंगी भाईजान की फिल्म जो है वो इसके पीछे का स्टोरी क्या है फैक्ट क्या है इस वीडियो में हम रिव्यू करने वाले हैं तो वीडियो को पूरा कंटिन्यू अंत तक देखिएगा उससे पहले अगर आप बजरंगी भाईजान के फैन तो इस वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा दोस्तों बजरंगी भाईजान फिल्म एक भारतीय हिंदी फिल्म है जिसका निर्देशन कबीर खान और निर्माण सलमान खान और रोकलिन वेंकटेश ने किया है इसमें सलमान खान करीना कपूर और नवाजुद्दीन सिद्दीकी मुख्य रूप से लीड रोल में आपको नजर आने वाले हैं यह फिल्म सत्रह जुलाई 2015 को सभी सिनेमाघरों में प्रदर्शित हुई थी इसी के साथ मैं आपको बता दूं कि इस फिल्म की कुल लागत 93 यानी कि तिरानवे करोड़ थी और इस मूवी ने टोटल कलेक्शन जो किया था बॉक्स ऑफिस कलेक्शन कुल कारोबार नौ सौ करोड़ रुपए यानी कि 969 करोड़ रुपए की कमाई की थी इस फिल्म में आपको दिखाई देगा कि एक पवन कुमार चतुर्वेदी होते हैं जिनका नाम सलमान खान और फिल्म में नाम होता है पवन कुमार चतुर्वेदी वो एक छोटी बच्ची जो कि हर्षिला मल्होत्रा होती है वो उसे भारत मिलता है लेकिन वह बच्ची पाकिस्तान की होती है ऐसे में सलमान खान उसे पाकिस्तान छोड़ने जाते हैं कहानी बहुत ही इंटरेस्टिंग है मूवी भी काफ़ी इंटरेस्टिंग है जिस वीडियो में बस इतना ही अगर आप सलमान खान के फैंस हैं तो वीडियो को लाइक करके दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कर दीजिएगा मूवी रिव्यू की और एक नई वीडियो में आप सभी का स्वागत करते हैं अगर आप सलमान खान के फैंस हैं तो इस वीडियो को पूरा देखिएगा क्योंकि इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं सलमान खान के सबसे बेहतरीन मूवी बजरंगी भाईजान के बारे में यह मूवी कब रिलीज़ हुई थी मूवी की कमाई कितनी है मूवी में किस किस किरदारों ने काम किया था और किस तरीके से यह मूवी हिट साबित हुई ना। तथा यह मूवी किस तरीके से बॉलीवुड पर कितना कलेक्शन किया था इसकी टोटल कमाई टोटल लागत कितनी थी इसके पीछे की कहानी क्या है और बजरंगी भाईजान की फिल्म जो है वो इसके पीछे का स्टोरी क्या है फैक्ट क्या है इस वीडियो में हम रिव्यू करने वाले हैं तो वीडियो को पूरा कंटिन्यू अंत तक देखिएगा। उससे पहले अगर आप बजरंगी भाईजान के फैन हैं तो इस वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा दोस्तों बजरंगी भाईजान फिल्म एक भारतीय हिंदी फिल्म है जिसका निर्देशन कबीर खान और निर्माण सलमान खान और रोकलिन वेंकटेश ने किया है इसमें सलमान खान करीना कपूर और नवाजुद्दीन सिद्दीकी मुख्य रूप से लीड रोल में आपको नजर आने वाले यह फिल्म सत्रह जुलाई 2015 को सभी सिनेमाघरों में प्रदर्शित हुई थी इसी के साथ मैं आपको बता दूं कि इस फिल्म की कुल लागत 93 यानी कि तिरानवे करोड़ थी और इस मूवी ने टोटल कलेक्शन जो किया था बॉक्स ऑफिस कलेक्शन कुल कारोबार नौ करोड़ रुपए यानी कि 969 करोड़ रुपए की नाएं कमाई की थी इस फिल्म में आपको दिखाई देगा कि एक पवन कुमार चतुर्वेदी होते हैं जिनका नाम सलमान खान और फिल्म में नाम होता है पवन कुमार चतुर्वेदी वो एक छोटी बच्ची जो कि हर्षिला मल्होत्रा होती है वो उसे भारत मिलता है लेकिन वह बच्ची पाकिस्तान की होती है ऐसे में सलमान खान उसे पाकिस्तान छोड़ने जाते हैं कहानी बहुत ही इंटरेस्टिंग है मूवी भी काफ़ी इंटरेस्टिंग है इस वीडियो में बस इतना ही अगर आप सलमान खान के फैंस हैं तो वीडियो को लाइक करके दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कर दीजिएगा